नमस्कार पापा मम्मी किचन में आज हम खाओगली स्टाइल में मोमोज बनाकर तैयार करेंगे। वैसे तो मोमोज नेपाल और तिब्बत से ओरिजिनेट हुए हैं, पर भारत में भी इसकी कई तरह की वैरायटीज मिलती है। पर आज मैं आपको बहुत आसानी से बनने वाला मोमोज बताऊंगी, जो कि बहुत ही कम सामग्री से बनकर तैयार हो जाता है और उसकी सामग्री लगभग सभी के घर में आसानी से मिल भी जाती है। और मोमोज में स्वाद के साथ साथ उसका शेप भी मायने रखता है। आज मैं आपको तीन तरह के शेप में बनाना बताऊंगी, जो भी शेप आपको अच्छा लगे उस शेप में आप अपने घर में आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि मोमोज के साथ में मार्केट में एक लाल कलर की लहसुन की चटनी सर्व की जाती है, उस चटनी के बिना मोमोज का स्वाद अधूरा है। इसीलिए आज मैं आपको सबसे पहले मोमोज की चटनी बनाना बताऊंगी, जिससे कि जैसे मोमोज गर्मा गर्म बन के तैयार हो हम उसे चटनी के साथ में सर्व कर सकें। इसके लिए हमने मीडियम साइज के 4 टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने आधा आधा काट लिया है। देखिए टमाटर कभी भी आप ले तो इस तरह से थोड़े लाल टमाटर होना चाहिए, जिससे चटनी आपकी लाल और अच्छी बन के तैयार होगी। इसी के साथ मैंने सूखी हुई 20 लाल मिर्ची ली है। ये ज़्यादा बड़ी लाल मिर्ची नहीं है, छोटी छोटी साइज में ही है। आपके पास जो भी लाल मिर्ची हो वो ले सकते हैं। यदि आपके पास सूखी साबुत लाल मिर्ची नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं, यदि आपके पास मिर्ची का पाउडर है तो उससे भी आप ये चटनी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो पाउडर का कब इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। बिसाइड में कढ़ाई में पानी गर्म हो गया है तो सबसे पहले इसके अंदर मिर्ची डाल देते हैं। मिर्ची को इसमें डाल करके हम 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट में मिर्ची थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, मिर्ची का सॉफ्ट होना जरूरी है। मिर्ची सॉफ्ट हो जाती है तो पीसने के बाद में चटनी के अंदर कलर बहुत अच्छा आता है। कभी भी मिर्ची को आप डंठल के साथ नहीं डालें, डंठल निकाल करके डालें। आपको ज़्यादा तीखी चटनी पसंद नहीं हो तो इसकी बीज भी निकाल सकते हैं। अब मिर्ची को उबालते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं, अभी इसमें टमाटर डाल देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि टमाटर क्यों उबाल कर तैयार कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि टमाटर अच्छे से उबल जाएंगे तो इसके ऊपर का छिलका निकल जाएगा, ये चटनी हमारी अच्छी स्मूथ बन के तैयार होगी। तो मिर्ची 2 मिनट पक जाती है, 2 मिनट उबल जाती है, उसके बाद में आपको टमाटर डालना है, क्योंकि टमाटर जल्दी उबल के तैयार हो जाते हैं। टमाटर डालने के बाद भी इसे 2 मिनट तक और उबालेंगे। 2 से 3 मिनट में टमाटर के छिलके काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। इस तरह से हाथ लगा के आप देख लें, टमाटर के छिलके काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। ये सॉफ्ट नहीं हुआ है तो उसके बाद थोड़ी देर आप और उबाल सकते हैं, तो छिलके इसके आराम से निकल जाएंगे। अभी इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको लगभग 3 से 4 मिनट आपको पकाना है। अभी इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे और हल्का ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद में देखिए इसके ऊपर जो कवर है आराम से निकलने लग गया, और पूरे कवर के ऊपर देखिए झुर्रियाँ आ गई है, टमाटर के ऊपर पूरी झुर्रियाँ आ गई देखिए, और कवर आराम से निकल रहा देखिए। इस तरह से आप आराम से कवर निकाल सकते हैं, हल्का ठंडा करके निकालेंगे, और गर्म गर्म निकालेंगे तो हाथ जलेंगे आप। इस तरह का कवर यदि रहता तो चटनी के अंदर अच्छी स्मूथनेस नहीं आती। अभी सभी टमाटरों को हमने छिलके निकाल लिए हैं और टमाटर और मिर्ची थोड़े ठंडे भी हो गए हैं। ठंडा करने के बाद कभी भी आप पीसें, गरम गरम को नहीं पीसें, दोनों को हम साथ में पीस करके तैयार कर लेंगे। इस समय मैं बता देती हूँ आपको, यदि आपके पास इस तरह की सूखी मिर्ची नहीं है और मिर्ची का पाउडर है तो यहाँ पर आप छिले हुए टमाटर के साथ में 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर डाल सकते हैं। यदि आपकी मिर्ची तीखी है तो थोड़ा कम डालें। देखिए टमाटर और मिर्ची बहुत ही अच्छा पीस के तैयार हो गए हैं, इनका कलर कितना सुंदर आया देखिए, और बहुत अच्छा स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि उबालने से मिर्ची के जो बीज थे वो भी सॉफ्ट हो गए हैं और अच्छे से पिस गए हैं, लगता ही नहीं इसके अंदर मिर्ची के बीज पिसे हुए हैं। अभी हम चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में लगभग 2 टेबल स्पून जितना तेल डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। इस चटनी के अंदर थोड़ा तेल ज़्यादा डाला जाता है, तेल हमारा हल्का गर्म हो गया है। अभी इसमें करीब मैंने 2 टेबल स्पून जितना लहसुन लिया है, कटा हुआ लहसुन है। लहसुन को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, लहसुन का कच्चापन निकल जाना चाहिए और कलर चेंज नहीं होना चाहिए। इसी के साथ 2 टेबल स्पून जितना ही मैंने अदरक लिया है, अदरक को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो महीन महीन काट के भी डाल सकते हैं। आप देख पा रहे हैं लहसुन का कलर चेंज नहीं हुआ है, हल्का सा पकाना है लहसुन को, ज़्यादा नहीं पकाना है। अदरक भी अच्छे से पक गया है, 1 से 1.5 मिनट में दोनों अच्छे पक कर तैयार हो जाते हैं। अभी जो हमने टमाटर और मिर्ची को पीस के रखा है वो इसमें डाल देते हैं। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, पर यह खट्टा होता है तो थोड़ा नमक ज़्यादा लगता है इसमें, इसलिए आधा छोटा चम्मच मैंने नमक डाल दिया। 1 छोटा चम्मच जितना इसमें सोया सॉस डाल देते हैं, सोया सॉस का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच इसमें सिरका डाल देते हैं, टमाटर की खटाई और सिरके की खटाई बहुत ही अच्छी होती है इसमें। अभी इसमें 1 टीस्पून जितनी शक्कर डाल देते हैं। शक्कर डालने से जो भी इसका तीखापन है वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है, तो खाने में चटनी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। हल्का तीखापन आता है और हल्का मीठा भी आता है, तो खट्टी मीठी चटनी खाने में बहुत अच्छी लगती है। अभी इसे ढक्कन लगा करके हम 2 मिनट तक और पका लेंगे। अभी चटनी को हमने 2 मिनट और पका लिया है। देखिए इसके ऊपर पूरा तेल आ गया है, पूरा तेल इसका छूट गया है। चटनी अच्छी पक जाती है तो तेल अपना आप रिलीज़ कर देती है, तो पूरा साइड में आपको तेल दिख रहा है, बीच में भी तेल दिख रहा है,
चटनी हमारी अच्छी पक के तैयार हो गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और ढक्कन लगा के चटनी को साइड में रख देते हैं। अभी हम मोमोज के लिए मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। मसाला बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करके बनाते हैं। एक टेबल स्पून जितना मैंने तेल लिया है, इसमें तेल भी ज़्यादा नहीं लगता है और गैस को चालू कर देते हैं। अभी तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें 15 से 20 कलियां मैंने लहसुन की ली है, लगभग एक टेबल स्पून जितना लहसुन होगा ये इसमें डाल देते हैं। यदि आप लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं तो लहसुन को स्किप कर सकते हैं। आँच को स्लो और मीडियम के बीच में रख के पकाएंगे। लहसुन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसमें इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। लहसुन का कच्चापन निकल जाना चाहिए तब लहसुन खाने में अच्छा लगेगा। लहसुन हल्का सा पक गया है, अभी इसमें अदरक डाल देते हैं। ये भी एक टेबल स्पून अदरक है। एक टेबल स्पून ही मैंने लहसुन लिया था और एक टेबल स्पून ही अदरक लिया है। इसी के साथ मैंने दो हरी मिर्ची लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। ये हरे प्याज का आगे वाला पार्ट है वो मैंने लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पकाना है, इसमें ज़्यादा नहीं पकाना है। यदि आपके पास हरा प्याज नहीं हो उसकी जगह पर जो भी आप प्याज रोज़ घर में रखते हैं काट वाला प्याज वो भी ले सकते हैं। इसी के साथ इसमें ये मैंने पत्ता गोभी ली जिसको महीन महीन काट लिया है, ये 2 कप के बराबर पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, जितना आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। इसको भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका क्रंची टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो हल्का सा पकाएंगे खाली। इसी के साथ मैंने एक गाजर लिया जिसको इस तरह से महीन महीन काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो सब्जियाँ वगैरह होती है वो एक बेसिक होती है सर, पर स्वाद इसका बहुत ही अच्छा आता है। सब्जियों में से पानी नहीं निकलना चाहिए, पानी निकल जाएगा तो फिर वो मोमोज होंगे वो गीले पड़ जाएंगे। सब्जियों को बहुत थोड़ा पकाना है, लगभग 1 मिनट में ही सब्जी पक जाएगी। इसमें 1/4 छोटा चम्मच जितनी मैंने काली मिर्ची दी है ये इसमें डाल देते हैं। नमक हम अभी नहीं डालेंगे इसमें, अभी डालेंगे तो पानी छूट जाएगा इसमें, तो थोड़ा ठंडा करने के बाद में नमक डालेंगे। और लास्ट में जो हरा प्याज दिया था उसके पीछे वाला पार्ट है ये हरा वाला, ये इसमें डाल देते हैं। हरा प्याज आपके पास नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। ये सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो सब गैस को बंद कर देंगे और इसको दूसरे बर्तन में निकाल करके ठंडा करने के लिए रख देंगे। जो गर्म गर्म में इसको रखेंगे ऐसे ही तो इसमें से पानी निकलने लग जाएगा। जब तक ठंडा होता है तब तक आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है जो वजन में लगभग 125 ग्राम है। ट्रेडिशनली ये मोमोज मैदे से ही बनकर तैयार होते हैं, इसीलिए मैं मैदा ले रही हूँ। यदि आप चाहें तो इसकी जगह गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। अभी इसमें 1/4 चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। नमक इसमें थोड़ा ही डालना है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा गूंद कर तैयार करेंगे। आटा हमें सेमी सॉफ्ट गूंद के तैयार करना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है। इस तरह से मैंने सेमी सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार किया है। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और इसको एक बार अच्छे से गूंद लेते हैं वापस। इतना आटा बनाने में लगभग हमारे 1/2 कप पानी लिया था, 1 टेबल स्पून जितना पानी बच गया है। अभी ढक्कन लगा के इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं। जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक हम मसाले को वापस देख लेते हैं। मसाला हमारा ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद में इसमें नमक डाल देते हैं। 1/2 छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है, इसको डाल देते हैं। क्योंकि नमक कभी भी आप ठंडा होने के बाद में डालें, क्योंकि गर्म गर्म में डालेंगे तो सब्जियाँ पानी छोड़ने लग जाएगी। सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं सब्जियों में से पानी नहीं निकला है, सब्जियाँ सभी हमारे सूखी सूखी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कभी भी। इस तरह से मिक्स कर लेंगे, अब इसको साइड में रख देते हैं। अभी वापस आटे को देख लेते हैं। आटे को रखे हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट में देखिए आटा अच्छा सॉफ्ट हो गया है। इस तरह से सॉफ्ट हो जाता है आटा। अभी इसको एक बार गूंद लेते हैं अच्छे से। इस तरह से आटे को अच्छा गूंद लें। जितना अच्छा गूंद लेते हैं आटा उतना ही ज़्यादा हमारे मोमोज है वो बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। क्योंकि आटे के अंदर से ग्लूटेन रिलीज होता है जिससे इसे सॉफ्टनेस आती है इसके अंदर। देखिए आटा अच्छा सॉफ्ट दिखने लग गया। अभी इसके छोटे छोटे लोई तोड़ लेते हैं। इसको 2 पार्ट में इसे कर लेंगे और 1 पार्ट को साइड में रख देते हैं और इसके ऊपर इस तरह से इसको गोल गोल कर लेते हैं, जैसे एक जैसे लोई बन करके तैयार होगी। इसको ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं काटना है, छोटे छोटे ही बनाकर तैयार कर, छोटे छोटे ही बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से हमने काट दिया, छोटा छोटा रखा है इसको और इसको जो लोई हमने बनाया है इसको भी उसके अंदर डाल देते हैं, आटे के साथ में डाल देते हैं और ढक के रख देते हैं जिससे सूखेगा नहीं। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगा करके बेल लेते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, साइड से पतला रखना है आपको। एक बार मैं 3 बेल करके तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे अलग अलग तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं। आराम से इजीली बेल करके तैयार कर लेते हैं। आटा परफेक्ट गूंदा हुआ होता है तो आराम से बनाकर तैयार कर सकते। इस तरह से देख, साइड से मैंने पतला बेला है और इतना पतला देखे हाथ में लेते हैं तो मालूम मेरी अंगुलियाँ दिख रही है इसके अंदर से, इतना पतला पतला बेल के तैयार करेंगे। मोटा होता है तो ये फिर खाने में अच्छा नहीं लगता, इसमें मसाले का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आना चाहिए। और लगभग ये 4 इंच के करीब बन के तैयार हुए हैं।
तो 3 से 4 इंच के आपको बना कर तैयार करना है। इस तरह से हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। अभी इसके ऊपर मसाला डाल देते हैं। मसाला आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें लगभग 1.5 टेबल स्पून जितना इसमें मसाला डाल देते हैं और साइड से थोड़ा सा पानी लगा करके इसे चिपका देंगे। अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल वाला बना के बताती हूँ, जिससे आप आराम से घर पर बना सकते हैं। देखिए, इधर से उठा करके आप दोनों साइड से ऐसे चिपका दे, देखिए। ये बहुत ही सिंपल वाला बता रही हूँ मैं आपको। चिपका के इधर से आप वापस उठाएं और इसको सेंटर में लेके आ जाए इधर से, और ये साइड वाले को ऐसे चिपका दें। जैसे समोसा का सेप होता है ना, उस तरह से आप बना कर तैयार कर देंगे। देखिए, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही पतले पतले अच्छे बन के तैयार हुए हैं। अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। बीच में इस तरह से आप मसाला डाल दें और साइड में थोड़ा सा पानी लगा दें, हल्का सा पानी लगाए साइड में, इसे अच्छे से चिपक के रहे उसका। ये भी बहुत इजी तरीका है। फिर आप इधर से उठा करके देखिए, इधर थोड़ा सा पानी लगा दें बस। इधर से उठा करके इसको इधर ला कर चिपका दें, आराम से चिपक जाता है। और इसको ऐसे खड़ा कर दें। देखिए, कोई भी बच्चे भी आपके पास बैठे बैठे फटाफट बना कर तैयार कर लेंगे। आप खाली रोटी जैसे बेल के दे देंगे तो बच्चे भी ऐसे भर के तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको तीसरे तरीके से बनाना बताती हूँ। इसके अंदर मैंने मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा पानी लगा दें, और अभी इसको इस तरह से फ्लिट डालते जाएंगे। एक फ्लिट डाल दी, दूसरी फ्लिट लेकर आते हैं तो इसको पीछे तक नहीं ले जाना, यहाँ तक लाना। तीसरी फ्लिट डालते हैं, फिर इसको इधर तक लेके आना है, लास्ट तक नहीं लेके जाना इसको। चौथी फ्लिट डालेंगे, फिर इसको भी लास्ट तक ले जाएंगे, इसके बीच तक ले जाएंगे। पाँचवीं फ्लिट भी इसी तरह से ला करके इसके इधर तक लेके आएंगे, और फिर दूसरी फ्लिट भी इस तरह से लेके आएंगे। आप देख पा रहे इधर कितना दिखने में सुंदर लगने लग गए हैं। और फिर ये फ्लिट भी डाल करके इसको इधर तक लेके आएंगे, और इधर वाला एरिया है इसको उठा करके इसके चिपका देंगे ऐसे। देखिए, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन गई इसकी। बहुत इजी डिज़ाइन है बनने में। आपको ये इजी लगता है तो ऐसे बना कर तैयार कर सकते हैं। एक मैं आपको और एक्स्ट्रा दिखाती हूँ। देखिए, ये हमने बेल लिया है, इसके साइड में भी इस तरह से पानी लगा देते हैं एक बार, और इसके बीच में इसमें मसाला डाल देते हैं। अभी इसको देखिए, इधर उठाया एक फ्लिट पर नहीं, दूसरी फ्लिट भी इसी फ्लिट के ऊपर लेके आनी है, तीसरी फ्लिट भी फिर इसके ऊपर ही लेके आना है। पिछले वाली डिज़ाइन में मैंने आपको बताया था, उसमें फ्लिट को आधी के ऊपर लेके आया, यहाँ तक लेके आई थी। अब मैं हर फ्लिट को एक के ऊपर एक लगा रही हूँ। देखिए, एक के ऊपर एक फ्लिट लग रही है, ये भी फ्लिट इसके ऊपर ही जा रही है। सभी फ्लिट को एक के ऊपर एक लगाना है बस। देखिए, ये भी सभी फ्लिट इधर आ रही है। ये गोल गोल बहुत ही सुंदर बन के तैयार होता है। अभी इसको घुमा करके आप इस तरह से ऐसे घुमा लें, और इसको घुमा करके इसको इस तरह से कर लें। मैंने इसके टॉप वाले पार्ट को नीचे दबा दिया है यहाँ पर। आप चाहे तो इसे मोदक की तरह ऊपर भी रख सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। ये दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। देखिए, मोमोज इस तरह से हमने सभी मोमोज बना करके तैयार कर लिए हैं। देखिए, दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और फटाफट बन करके तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपको मोमोज अभी पूरे नहीं खाने हैं, आधे ही खाने हैं, तो आप लीक टाइट डब्बे में भर करके फ्रीजर में रख सकते हैं, और जब आपको खाना हो उस समय आप इसे स्टीम करके पका कर खा सकते हैं, क्योंकि मोमोज गर्म गर्म खाने में ही अच्छे लगते हैं। हमारे रेशियो में लगभग 18 से 20 बन करके तैयार हुए हैं। अभी इसे पकाने के लिए हमने स्टीमर लिया है। आपके पास इस तरह का स्टीमर नहीं है तो कोई आप कढ़ाई ले सकते हैं या भगोना ले सकते हैं, और उसके ऊपर इस तरह से कोई छलनी लगा सकते हैं। इस छलनी के ऊपर जब भी आप रखें, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लें, जिससे चिपकेंगे नहीं, और एक एक करके मोमोज को इसके अंदर जमा लेते हैं। इसका सेप दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। सेप मैंने 4 तरह के बनाना बताया है, तो आप कोई भी सेप बना कर तैयार कर सकते हैं। आप अपने घर में ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो इसकी फोटो भी हमारे साथ में आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। अभी इसे ढक्कन लगा करके हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी इसे पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे पक गए हैं और काफ़ी ट्रांसपेरेंट दिखने लग गए। इसका कलर भी चेंज हो गया है। अभी गैस को बंद कर देंगे। ये हमने पतले पतले बना के तैयार किया, इसलिए देखिए सब्जियाँ इसके अंदर से दिख रही है। अभी इसे हम निकाल लेते हैं और दूसरे बैच को हम स्टीम करने के लिए रख देते हैं। इस तरह से हमने मोमोज को सर्व कर दिया है। आप देख पा रहे हैं दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। जितने दिखने में सुंदर लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है।
और ये ज़्यादातर क्या गर्मा गर्म खाने में अच्छे लगते हैं, इसलिए आप चटनी को कभी भी पहले बना कर रख दें, फिर गर्मा गर्म मोमोज खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। और ये चटनी आप एक बार बना कर रख देंगे तो फ्रिज में रखेंगे 10-15 दिन भी ख़राब नहीं होती है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो का भी आप फीडबैक हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।